हेलो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये बच्चे बगुले को पकड़ने के लिए इस मछली के अंदर कीटनाशक का इस्तेमाल करके और इससे बगुला पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बच्चे हमेशा ऐसा करते रहते हैं। तो ये है दवा, कीटनाशक है दोस्तों, सब्जियों के अंदर जो इस्तेमाल होती है। दोस्तों सब्जियों में कीड़े लग जाने के बाद कीड़ों को मारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये पेस्टिसाइड इस मछली के अंदर भर के इसको ले जा के वहाँ पे रख देंगे खेत में, यहाँ जहाँ पे सिंचाई चल रही है वहाँ पे दोस्तों काफ़ी बगुले आते हैं, जिसके वजह से ये बच्चों ने मछली के अंदर कीटनाशक का इस्तेमाल करके अब इसको ले जाएंगे वहाँ पे बगुला पकड़ने के लिए। देखते हैं दोस्तों ये पकड़ पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंचाई चल रही है, गेहूँ की सिंचाई चल रही है और वहाँ पे काफ़ी बगुले आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए साइड में बगुले दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए चल रहे हैं बच्चे, इनके पीछे हम भी हो लेते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पर ये देखिए एक बच्चा जा रहा है फ्रेंड, ये है खेत। अब खेत के अंदर पानी की सिंचाई हो रही है, गेहूं के खेत में पानी की सिंचाई हो रही है और ये बच्चा गया दोस्तों, ये देखिए मिट्टी निकाल के पानी से ऊपर रख देगा ताकि बगुले को आराम से दिख सके। तो दोस्तों ये देखिए मछली वहां पे रख देगा जिससे बगुले को मछली आसानी से दिख सके। तो दोस्तों अब देखिए एक यहाँ पे रखेगा, एक कुछ और दूर पे रखेगा। दोस्तों दो ही मछली में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके लेके आया था यह लड़का, ला रहे थे ज़्यादा। दोस्तों मैंने इनको मना कर दिया लेकिन ये माने नहीं, फिर भी दो लेकर आए। अब देखिए दोस्तों ये क्या कर पाते हैं, बगुला पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर के बाद फिर से दोबारा बगुले वहाँ पर आ गए हैं और शायद इसमें से इन्होंने पता नहीं कि किसको देखा है कि किसी बगुले ने उस मछली को खाया है। तो दोस्तों अभी कुछ देर के बाद पता चल जाएगा शायद। दोस्तों ये सामने जो दिख रहा है यही बगुला है, वो देखिए दोस्तों बिल्कुल शांत खड़ा है, एकदम बिल्कुल शांत खड़ा है, कोई हरकत नहीं कर रहा है। दोस्तों ये बता रहे हैं बच्चे कि इसने उस मछली को खाया है, उनमें से एक मछली को खाया है। देखिए दोस्तों बाकी बगुले हिल डुल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, यानी कि इसने मछली को खाया है और दवा इसको असर कर रही है। देखिए दोस्तों ये बेहोश होता है या मर जाता है। फिलहाल दोस्तों उसकी हरकत की वजह से बाकी बगुले उड़ गए हैं दोस्तों, यानी असर कर दी है दवा। और ये देखिए दौड़ते हुए जा रहा है दोस्तों उसको पकड़ने के लिए। फिलहाल दोस्तों अभी ये तो जिंदा दिख रहा है, ना तो बेहोश हुआ है ना तो मरा है, अभी भी ये जिंदा है। तो दोस्तों गांव में जो आदिवासी किस्म के बच्चे होते हैं दोस्तों, इसी तरीके से इनको पकड़ लेते हैं और इनको पकड़ने के बाद खा जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए इसको पकड़ के लेके जा रहा है लड़का अभी यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों अभी ये बगुला जिंदा शायद बेहोश हो गया है। दोस्तों ये देखिए किसी ने पहले से इस्तेमाल किया था और ये देखिए कीड़ा खा के मारा हुआ है, इसके मुंह के अंदर दोस्तों कीड़ा मिला था जिसके वजह से इसकी मौत हो गई थी। और ये अब देखिए दोस्तों इन बच्चों का, अब वो जो एक मछली खा गया था बगुला और एक मछली बची हुई थी। तो दोस्तों ये देखिए ये बगुले दोबारा से फिर वापस आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा आ चुके शायद ये भी। दोस्तों ये देखिए काफ़ी इंतज़ार के बाद इसने भी दवा खा लिए। दोस्तों ये दवा खाने के बाद इसका देखिए संतुलन बिगड़ रहा है, ये देखिए इसका संतुलन बिगड़ रहा है। दोस्तों अब यहाँ से ये बच्चे बैठे हुए हैं, हम दोस्तों ये अभी जाएंगे उसको पकड़ के लेकर आएंगे। दोस्तों इस तरीके की मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर जगह पूरे पूर्वांचल में इस तरीके का चलता रहता है। गांव एरिया में दोस्तों जो बिल्कुल पिछड़ी एरिया होती है वहाँ पे इस तरीके का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए वो गिर चुका है, गिरने के बाद अब देखिए दोस्तों बिल्कुल उड़ने की अवस्था में नहीं है, ना ही उड़ पा रहा है ना ही उड़ पाएगा अब। तो दोस्तों यहाँ से देखिए अभी एक बच्चा जाएगा और उसको पकड़ के लाएगा। ये देखिए सारे उड़ चुके हैं दोस्तों, ये देखिए अभी ये इसमें काफ़ी मतलब
दवा का असर शायद हुआ है या नहीं हुआ, शायद हुआ है दोस्तों, क्योंकि उड़ नहीं पा रहा है बिल्कुल, इसका हाथ पैर बिल्कुल ढीला पड़ गया है, शायद सुन पड़ गया होगा दोस्तों। अब ये देखिए इसको किस तरीके से पकड़ रहा है बच्चा, अब इसको पकड़ेगा, ये देखिए जैकेट के अंदर उसको डाल लिया है, अभी लेके जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।